बहुत सुंदर बदन है बहू तुम्हारा और बहुत कोमल भी। छोटे ही मेरी धड़कनें तेज हो गई, पसीने छूट गए। भाभी एक बार हमें भी मजा दे दीजिए। तो दोस्तों पहले बार सीजन 5 की कहानी शुरू होती है निर्मला एंड दीप के घर से। तो निर्मला एंड दीप के घर सुमन भौजी आते हैं, भौजी आते ही सबसे मिलते हैं और बातचीत होती है। बातचीत करते करते जीवन की शादी की बात चलने लगती है। दरअसल दीप एंड निर्मला के दो बच्चे होते हैं, मतलब दो लड़के होते हैं, और बड़े लड़के का नाम जीवन होता है एंड छोटे लड़के का नाम कमल होता है। तो सुमन भौजी लड़की की फोटो दिखाती है और जिसका नाम अर्पणा होता है। लड़की की फोटो देखकर दीप निर्मला को लड़की काफी पसंद आते हैं एंड इसी टाइम पर जीवन आ जाता है। तो जीवन भी लड़की की फोटो देखता है एंड वो भी शादी के लिए हाँ कर देता है एंड फोटो लेकर ऊपर चला जाता है और उसके अरमान अभी से खड़े होने लगते हैं। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है, अर्पणा एंड जीवन की शादी हो जाती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अर्पणा का जो ससुर रहता है वो काफी परेशान रहता है और परेशान रहता है। तो निर्मला वहाँ पर आते हैं एंड बोलती है तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, इतनी परेशान क्यों हो। तब दीप बोलता है कि तुम तो जानते हो कि मैं नपुंसक हूँ और मेरे दोनों बच्चे मतलब मेरे नहीं हैं और मेरे पिताजी की वजह से हैं, मेरे पिताजी के हैं जो कि इस रिवाज के अनुसार रहता है। और इस गाँव के रिवाज के अनुसार जब भी किसी की शादी होती है तो पहला बच्चा ससुर का होता है। तो निर्मला बोलती है तो वो तो सही है क्योंकि पूरे गांव के जैसे बहुएं करते वैसे अपने मतलब हमारी बहू भी करेगी, पहला बच्चा ससुर का ही रहेगा। तो बोलता है मैं तो नपुंसक हूँ और तो फिर वो बोलती है इसके लिए, निर्मला बोलती है इसके लिए मैंने सोच के रखा है एंड वो एक फैमिली फोटो दिखाती है। तो उस फोटो को देख कर वो दीप काफ़ी खुश हो जाता है, बोलता है अच्छा हुआ। और एंड निर्मला बोलती है कि अगर ससुर कुछ नहीं कर सकता है तो अपन अपने रिश्तेदार में से या किसी जान पहचान वाले से अपनी बहू को छुड़वा सकते हैं एंड उसको प्रेग्नेंट करके पहला बच्चा हो जाएगा। इसके बाद उसकी शादी जिससे हुई है तो उसके पति का दूसरा बच्चा रहेगा। एंड निर्मला अपने जीवन बेटे को बुलाती है एंड बोलती है कि बेटे अब तुम्हारी शादी तो हो गई, अब इस गाँव के रिवाज के अनुसार पहला बच्चा ससुर जी का रहेगा, तो अब इसके बाद दूसरा बच्चा तुम्हारा होगा। जीवन बोलता है कि तुम लोग अब भी इस रिवाज को मानते हो, मैं नहीं इस रिवाज को मानता हूँ एंड वो मना करता है पर चला जाता है। एंड वहाँ पर स्वागत मतलब बेड पर अपर्णा जीवन का रात भर इंतजार करती रहती है पर जीवन स्वागत मनाने के लिए कमरे में नहीं जाता। इसके बाद दीप रमेश को फोन करता है। दरअसल रमेश उसका दोस्त भी होता है एंड परिवार से भी रहता है, कोई रिश्तेदारी वगैरह फंसते है। तो दीप जब रमेश को फोन करता है तो रमेश अपनी बहुओं को पेलने में लगा हुआ रहता है। वो अपनी दोनों बहुओं को जबरदस्त बजा रहा होता है और ये सीन जो चलता है इस सीन में वो इतना मतलब दोनों के पसीने निकाल देता है, फुल मजे में लगा रहता है। वो फोन लगाता है तो फोन नहीं उठाता और ये सीन 15-20 मिनट तक चलता है एंड सीन पूरा होने के बाद वो जब फोन देखता है एंड इसकी मिसकाल देखता है तो फोन फिर उठाता है एंड बात करता है। तो दीप बोलता है कि दोस्त यार मैं मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, तू मेरी हेल्प कर सकता है। तो वो बोलता है हाँ ठीक है, तो तेरे को मतलब पैसे ऐसे चाहिए क्या, तो बता कितने चाहिए। तो दीप बोलता है पैसे ऐसे नहीं चाहिए। फिर वो बताता है इसको भी कि मेरे बड़े बेटे की शादी हो गई और ऐसा वैसा है तो मतलब तेरे को ही हेल्प करना है। तो रमेश मना कर देता है पहले, तो दीप बोलता है मैं अपने बहू की फोटो डाल रहा हूँ, तुम देख के सोच के फिर बताना। तो फिर वो जैसे ही फोटो डालता है तो उसकी बहू काफ़ी अपर्णा जो रहती है वो काफ़ी खूबसूरत रहती है और उसे देखकर वो तत्काल मन बना लेता है एंड वो दीप एंड निर्मला के गांव आ जाता है, रमेश आ जाता है एंड वो खाना ही खा रहे होते हैं उसी टाइम पर आ जाता है और उसी टाइम पर वो इस रिवाज की बात भी कर रहे होते हैं। तो अपर्णा बोलती है कि तुम लोग इस गाँव में अभी भी इस रिवाज को मान रहे, मैं नहीं मानते, मैं अपने पति के अलावा ऐसा किसी को नहीं छूने दूंगे, यानी कि ऐसा नहीं करूंगे ये वो। और इसी टाइम पर वो रमेश आ जाता है और इसके बाद वो अपर्णा को समझाता है कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी जब तक तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, जब तुम खुद अपने मन से आओगे तभी ये रिवाज
निभाया जाएगा, वरना ये रिवाज निभाने की कोई जरूरत नहीं जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी। तो अब सुमन वो जी भी जो कि वहीं पर रहती हैं, तो अब उसको वो तो मना कर देती है पढ़ना, तो अब सुमन को भी लेने खुजली मची हुई रहती है। तो सुमन रमेश के पास जाते हैं एंड बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है कि तुम किसी भी औरत को अच्छे से खुश कर देते हो और तुम्हारे करते बहुत हैं। रमेश बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें भी खुश करके जाऊंगा। तो फिर सुमन बोलती है कि तुम तो जीवन की शादी के लिए आए थे और उसकी जीवन की शादी तो हो गई है, तो अब तुम तो चले जाओगे। तो फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ रिवाज निभाने के लिए आया हूँ, दरअसलदीप की थोड़ी तबीयत खराब रहती है तो वो कर नहीं पाएगा, तो उसके बदले मैं उसकी बहू को ठोकूंगा। पर अपर्णा अभी मान नहीं रही है, दरअसल मैंने सबको खुश किया है, पड़ोस वाले मतलब पड़ोस की बहनों को सबको मतलब बहुत सारे बहुओं को खुश किया है एंड सब खुश होकर ही जाते। तो फिर सुमन बोलती है कि मुझे इसका तो पता नहीं कि ये मतलब रिवाज है तो उसे मानना चाहिए, पर मुझे इसका पता नहीं, मगर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ऑफर है, आज रात को तुम तबेले में आ जाना, मैं तबेले में तुम्हारा इंतजार करूँगा। एंड यहाँ पर जीवन भी दूसरे शहर रिवाज के अनुसार दूसरे शहर चला जाता है एक साल के लिए, क्योंकि अब जब तक वो जीवन रहेगा तो अपर्णा जो रहे है उसकी बीवी उसकी शादी हुई तो वो तो ससुर को देगी नहीं, तो इसलिए उसको वहाँ घर से भगा दिया जाता है साल भर के लिए, जब तक मतलब बीवी प्रेगनेंट ना हो जाए, ससुर के लंड से उसका पेट ना भर जाए। रमेश रात को तबेले में पहुंच जाता है एंड वहां पर सुमन आ जाती है। तो वहां पर दोनों का अच्छा खासा सीन चलने लगता है। सीन चलता है जब वो सुमन को फेल फेल को दबा के चोकता है, रेंस चोकता है कि पसीने निकल जाते हैं एंड वो भी अच्छे होता कुछ अच्छे उसके लंड लेती है एंड दोनों खुश हो जाए तो बराबर मजा आ रहा होता है। एंड फिर लास्ट में सुमन भौजी बोलती है कि तुम सच में टैलेंटेड हो और तुमसे अच्छा और कोई कर ही नहीं सकता, तुमने आज तक जिंदगी में मतलब किसी ने नहीं मुझे इस तरीके से छोड़ा जैसा तुमने छोड़ा, मैं पूरी तरह से खुश हो गया। एंड यहाँ पर ये सीन 15-20 मिनट तक चलता है एंड ये सीन एंड होते ही नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि अपर्णा अपने बेडरूम में होती है एंड वो अपने नए वाले ससुर जी के बारे में सोच रही होती है कि जितना मतलब वो रमेश जी इतने बुरे भी तो नहीं है, सब मतलब इम्प्रेस हो जाती, क्योंकि रमेश जब से आया होता है तभी से उसे खुश करने में लगा रहता है, मीठी मीठी बातें करता है, तो वो उस टाइप से इम्प्रेस हो जाते हैं। एंड जीवन तो रहता नहीं है तो वैसे भी उसको खुजाल चलने लगती है, अब खुजाल चलने लगती है तो फिलहाल अभी तो इस सीन में वो उंगली उंगली डाल के अपने आप को संतुष्ट कर लेती है। एंड इसके नेक्स्ट दिन से ही वो अपने रमेश अपने दूसरे वाले ससुर जी लोकल वाले ससुर जी को रिझाने में लग जाती है एंड वो जैसे कि कपड़े धो रही हो तो वो सब मतलब दिखा रिझाने के लिए थोड़ा अपने बदन अदन मतलब मस्त दोनों आइटम वगैरह पछवाड़ा कमर वगैरह दिखा के ताकि वो इम्प्रेस हो जाए, पर वो यहाँ पर रमेश का कोई रिएक्शन नहीं आता है। एंड तो इसके बाद वो नेक्स्ट चाल पर यहाँ पर जब वो अपने ससुर जी को ले जा रही होती है रमेश को ले जा रही होती है तो उसका देवर कमल आ जाता है एंड उसका देवर जब कमल वहाँ पर आ जाता है तो वो देखता है और देखकर वहीं पर अपनी भाभी को देखकर वहीं पर हिलाने लग जाता है एंड वहीं हिला ले तो इसी हिलाते टाइम पर सुमन भी भौजी भी आ जाते हैं एंड वो फिर वो कमल से बोलते यहाँ ये क्या कर रहे हो, तो वो बोलते कुछ नहीं अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में अपर्णा ससुर जी के कुर्ते का बटन तोड़ देती है एंड इसके बाद जब रमेश कुर्ता उठाता है तो कुर्ता उठाकर सीधे सुमन के कमरे में जाता है एंड बोलता है बहू ये बटन लगा दो, तो अपर्णा बोलती है कि ठीक है बाबू जी एंड वो बटन लगाने लगती है। तो जब बटन लगाने के लिए जाती है तो रमेश उसका ससुर जी पकड़ लेता है, तो वो बोलते हैं बाबू जी ये क्या कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ कि तुम 2 दिन से मुझे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, तो अब फिर प्रॉब्लम ही क्या है जब तुम्हारी भी इच्छा है एंड मैं तो उसी के लिए आया हूँ। तो फिर सुमन बोलती है कि
बाबूजी तुम मेरे मुझे शर्म आ रही है तो तुम मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो, उसके बाद काम चालू करो। फिर रमेश अपर्णा की आंखों पर पट्टी बांध देते है एंड यहाँ से चाटना चालू कर देता है और उसे मतलब चाटना पैरों से लेकर सर तक चाटता है एंड उसके बाद उसकी चूक को भी चाट लेता है और उसकी जब चूक को चाटता है तो वो पानी पानी हो जाती है एंड पानी पानी हो जाने के बाद फिर उसकी आंख की रस्सी खोल लेता है एंड यहाँ पर दोनों का सीन जबरदस्त चलता है एंड बहू बोलती है कि मतलब तुम तो बहुत दमदार हो, मैं सोच रही कि ऐसा मतलब इतना मजा दे पाओगे कि नहीं, पर तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। और ये सीन जब चलता है तो गजब का सीन चलता है। अभी ये सीन होता है पर घर में किसी को पता नहीं रहता है कि मतलब बहू ससुर के साथ ये रिवाज निभाने के लिए तैयार हो गई है। इसके बाद निर्मला वहाँ बैठी रहती है तो वहीं पर रमेश एंड बहू आ जाते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर थ्रीजम सीन एक देखने को मिलता है, यानी कि रमेश जो रहता है दूसरे गाँव से आया हुआ रहता है तो वो सास एंड बहू दोनों को एक साथ मिलता है और ये सीन जो रहता है पैसा वसूल सीन रहता है। इस सीन में भी हंसी मजा आने वाला रहता है क्योंकि ये सीन जबरदस्त रहता है और ये सीन 15-20 मिनट का सीन रहता है तो ससुर एंड बहू को एक साथ जोतता है एंड उनको खुश कर देता है। वैसे भी वो उसकी अपर्णा की सास को पहले भी जोत चुका हुआ रहता है। ये सीन होने के बाद वो दीप को मतलब अपने दोस्त को बताता है कि यार अब अपर्णा ये रिवाज निभाने के लिए तैयार हो गई है एंड तो वो बोलता है ये तो खुशी की बात है एंड यहाँ पर दीप निर्मला को लेकर बोलता है कि हम दोनों खेत तरफ जा रहे हैं, वहाँ खेत तरफ बहुत साइड मतलब बहुत टाइम से खेत हार खेत नहीं गए हैं तो अब वहाँ पर निर्मला एंड दीप अपनी बहू को रमेश के साथ छोड़ के चले जाता है और यहाँ पर अब दोनों रहते हैं तो अब यहाँ पर जो चुदाई होती है वो अलग लेवल की चुदाई होती है क्योंकि कभी ये उल्टा करके तो कभी दीवार में टिका कर चोटता है रमेश अपर्णा को एंड कभी पानी डाल के तो कभी किचन में मतलब जहाँ मन करता है, पूरा घर खाली रहता है तो जहाँ मन करता है वहाँ चोटना चालू कर देता है और इस कदर से चोटता है कि गजब ही, जैसे कि आज ही बच्चा आज ही दे देगा। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि रमेश चाय पीने के लिए बैठा रहता है एंड वहाँ पर सुमन आ जाती है एंड बोलती है कि मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझे बहुत खुश है मतलब रोज मेरे को मतलब रोज मुझे खुशी दोगे पर अब तो तुम छुपे छुपे मतलब दिखाई ही नहीं देते क्या है। तो रमेश बोलता है कि अब रिवाज के अनुसार बहू अपर्णा मान गई है तो अब उसको टाइम देना है और एंड मैं उसी के लिए तो आया हूँ तो उसे जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट करना है एंड बोलता है कि तुम काफ़ी होशियार हो और तुम अपनी व्यवस्था कहीं ना कहीं कर लोगे। एंड हमें इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि कमल जो रहता है वो अपर्णा मतलब अपनी भौजी के कमरे में घुस जाता है और घुस जाता है, जाकर ही अपर्णा को पकड़ लेता है एंड जबरदस्ती करने की कोशिश करता है पर उसकी भौजी जो रहती है देवर कमल को देने से मना कर देती है क्योंकि अभी वो अपने ससुर जी का लंड खाए हुए रहती है जो कि उसके ससुर जी का जबरदस्त लंड रहता है क्योंकि वो सबको पुजाता रहता है, सबको खुश कर रहता है तो वो अपने देवर को कैसे अभी दे सकती है तो उसको देती नहीं है और दो एक थप्पड़ और जोड़ के दबा के खींच के देती है। तो वहाँ से निराश होकर कमल अपने कमरे में चला जाता है पर ये जो सीन रहता है ये सीन सुमन देख लेती है तो सुमन जो इन दोनों को थप्पड़ मारते हैं ये सब सीन देख लेती है। इसके बाद सुमन कमल के कमरे में जाते हैं एंड बोलते हैं कि क्या हुआ कमल उसे निराश क्यों हो तो फिर वो बोलता है कि भाभी ने देने से मना कर दी। कोई बात नहीं तो भाभी ने जो नहीं है तो मैं तुम्हें दूंगी। वहाँ पर रमेश भी सुमन को अभी भाव नहीं दे रहा होता है। सुमन जो रहती है कमल और सुमन के बीच में एक सीन चालू होता है जिसमें कमल बोलता है कि कोई बात नहीं फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें चरम सुख का आनंद दे पाऊँ एंड यहाँ पर सीन चालू हो जाता है एंड सीन अच्छा खासा चलता है, जबरदस्त सीन चलता है एंड जब सीन का लास्ट बोलता है तो सुमन बोलती है कि तुमने अच्छा किया है मतलब खुश कर दिया है, ज़्यादा नहीं पर धीरे धीरे तुम्हें मैं परफेक्ट बना दूँगी। यानी कि अब हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि सब खाना खा रहे होते हैं एंड वहीं पर अपर्णा की तबीयत
खराब होने लगते हैं, यानी कि उसको उल्टी वगैरह आने लगती है। इसके बाद डॉक्टर आता है, डॉक्टर चेकअप होता है तो बोलते हैं कि अपर्णा प्रेगनेंट हो चुकी है। तो इसके बाद रमेश जो है वो बोलता है, मतलब रमेश यहाँ पर पॉइंट खेलने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं रमेश को अब अपर्णा अच्छी लगने लगती है। तो वो बोलता है कि मेरे मतलब हमारे यहाँ भी एक रिवाज है कि जब हम किसी की मतलब किसी की बहू को मतलब बच्चा प्रेगनेंट कर देते हैं तो उस बहू के साथ उस घर की एक औरत को हमारे घर आना पड़ता है, मतलब हमारे गांव आना पड़ता है 3 महीने के लिए। तो दीप बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, 3 महीने के लिए बच्चा हो जाने दो, बच्चा हो जाने के बाद निर्मला एंड अपर्णा को तुम्हारे वहाँ। एंड उसके बाद रमेश अपने गांव निकल जाता है, पर अपर्णा को अब दूसरे वाले ससुर जी की आदत पड़ चुकी होती है एंड उसको अब खुजली मचने लगती है एंड वो ससुर जी को याद करती रहती है। एंड ससुर जी को जब याद करती है तो वो अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही होती है, पर इस टाइम मतलब दोबारा से उसका देवर कमल इस कमरे में आ जाता है। तो वो फिर वो अपर्णा बोलती है कि तुम एक बार के पर खा चुके, तुम्हें समझ में नहीं आया तो दोबारा फिर खाने आ गए। तो फिर कमल बोलता है कि देखो भाभी हमें पता है कि तुम्हें इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है एंड अभी रमेश अंकल तो है नहीं है कि तुम्हें खुश कर दे क्योंकि वो तो चले गए हैं, तो और भैया हैं तो वो अभी है नहीं, तो यहाँ पर मैं ही हूँ जो तुम्हें मतलब जो तुम्हें चाहिए वो सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। सिमी रहती है, उसे लगता है ये क्या कर पाएगा। तो इस तरीके पर धीरे धीरे जब सीन धीरे धीरे आगे बढ़ता है उस सीन में मतलब अपर्णा को मजा आने लगता है एंड सीन पर चलता ही जाता है। यहाँ पर देवर भाभी को चोटता ही रहता है क्योंकि ये नया लौंडा रहता है तो ये भी बराबर मजे देता है अपनी भाभी को। और ये सीरीज का एंडिंग सीन होता है, मतलब इस पहरेदार सीजन 5 का एंडिंग सीन होता है। पहले सीरीज की स्टार कास्ट की बात करें तो इस सीरीज में अनु मौर्या ने सास एंड निर्मला का रोल प्ले किया, प्रिया गामरे ने भौजी चाची मतलब सुमन भौजी का रोल प्ले किया है एंड कोमल रोथेला ने बहू का रोल प्ले किया है जिसका नाम अपर्णा होता है। एंड दीप ने ससुर का मतलब जो दीप रहते हैं वो ससुर का पता है। दीपक दत्त शर्मा ने ससुर एंड दोस्त दो रोल प्ले किया है एंड जीवन इसमें जीवन जो रहता है वो बड़ा बेटे का रोल करता है, कमल जो रहता है वो छोटे बेटे का रोल करता है। तो इस सीरीज को पहले मतलब इस सीरीज को प्राइम प्ले ऐप पर देख सकते थे पर अभी वो बंद हो गया है, तो जो भी देखना चाहे तो गूगल पर सर्च करिए सब मिल जाए। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हलचल ऐप ऐसे 2-3 ऐप हैं जिन पर ये जो प्राइम प्ले और हंटर वाले वेब सीरीज हैं द्वारा से डिप्टी के नाम चेंज करके अपलोड की जा रही है, तो वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।